अरे मैंने अभी तो देखना चालू किया। अरे तू कब से देख रही, मुझे भी देखना है। तूने अपना होमवर्क किया? बाद में करूँगी, मुझे देखने देना। नहीं मेरे को देखना, मेरे को टीवी का रिमोट दे। अरे छीन क्यों रही है, मुझे देखने देना। मुझे रिमोट दे। अरे मुझे देखने दे। देना रिमोट। क्यों छीन रही है, देखने दे। नहीं मेरे को देखना है। मम्मी अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आज तो किसी को भी बुला दे, रिमोट तो मेरा ही होके रहेगा। लेकिन मुझे देखने देना, मैं पहले आई थी ना। या तो मुझे देखने, मैं देख रही हूँ इस बार। मैं देख रही थी ना। अरे मुझे रिमोट। अरे मम्मा जल्दी आओ। ये बच्चों ने ना मुझे परेशान करके रख दिया है, तुमको अभी बताती हूँ। तू छोड़ छोड़, हाथ जा। नहीं हटाऊंगी मैं। रातों की मत कर। तू आ जा। फिर से शुरू हो गई तुम लोग रिमोट के लिए। अरे मम्मा इसी ने चालू किया, मैं टीवी देख रही थी, आके रिमोट छीनने लगी। तुम कब से टीवी देख रही हो? ठीक है रिमोट मुझे ला, अभी मैं टीवी बंद करती हूँ और कोई नहीं देखेगा टीवी। और तुम दोनों जाओ अपने कमरे में होमवर्क करो। मम्मा लेकिन मेरा फेवरेट शो चल रहा था। टीवी में तो सभी तेरा फेवरेट होता है। चलो जाओ अपने अपने कमरे में, तेरे वजह से। ये भगवान, ये लड़कियाँ ना। अरे क्या करूं, मॉम ने भी रिमोट ले लिया है, मुझे तो ये पढ़ाई हो ही नहीं रही है, कितना बोरिंग है। मुझे टीवी देखना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आइडिया, अगर मैं टीवी को अपने फोन से कंट्रोल कर लूंगी तो टीवी चल जाएगा। वाह अनु क्या आइडिया है। मम्मी जैसे ही बाहर जाएगी मैं वैसे ही तुरंत टीवी चला लूंगी और आयु की बच्ची आराम से बैठकर पढ़ाई करेगी। यस मम्मा तो चली गई, अब मैं आराम से टीवी चालू करके देखूंगी। चलो मैं अनु से ही पूछ लेती हूँ, इसका सलूशन उसको पक्का पता होगा। बच्ची oh, no. मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ और ये यहाँ पे आराम से टीवी देख रही है। Bang. रुको आने दो मम्मी को, उनको मैं सब बताती हूँ। oh, no. मम्मा क्या हुआ? यू आ गए आप? हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मा आपको पता है जब आप बाहर गए थे ना तो अनु आराम से टीवी देख रही थी। जब टीवी का रिमोट मैं अपने साथ ले गई थी तो कैसे पॉसिबल है अनु को टीवी देखना? अरे माँ आप जानते नहीं, उसको बहुत चालाक है, वो अपने फोन से ऑपरेट कर रही थी टीवी को और जब आप आए तो भाग गई रूम में पढ़ने के लिए। देखो आयु, अब तुम और अनु दोनों बड़े हो गए हो, तुमको खुद समझना चाहिए तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब हर चीज के लिए हम तुम दोनों को डांट तो नहीं सकते ना, तुमको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। सिर्फ एक टीवी के लिए तुम दोनों झगड़ते हो, ये सही नहीं है, अब तुम दोनों को खुद से समझना पड़ेगा। सॉरी मम्मा, अब मैं समझ गई, मैंने आपको इतना तकलीफ पहुंचाई, बट मम्मा नाउ आई प्रॉमिस मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा हुआ ये आयु की बच्ची ने मुझसे रिमोट नहीं मांगा, अब मैं आराम से पूरा दिन टीवी देखूंगी। अरे यार ये तो खाली है, मुझे ही भरना पड़ेगा, लेकिन फिर टीवी कौन देखेगा? चल कोई नहीं भर ही लेती हूँ। हाँ?
कॉफी की बॉटल दो। मम्मी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया किचन में हेल्प करने को, मैं भी इधर ही थी। अरे वाह, आयु तू कहाँ गई थी? अरे मैं नीचे से खेल के आ रही हूँ, आज तो बहुत मजा आया। तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे थोड़ी टीवी को नीचे लेके आ सकती है तू, वैसे भी तू थोड़ी टीवी को छोड़ के आती। एनीवेज मुझे अपना होमवर्क करना है, वैसे भी महेश सर ने कहा था रिविजन करने को, कल टेस्ट है ना, तूने किया? नहीं। लेकिन आयु मुझे तू ये बता, क्या नीचे किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा? अरे तू थोड़ी हर रोज आती है जो पूछेंगे। चलो मैं तो अभी चली जाती हूं, जो करना है कर। आयु बहुत सेल्फिश हो गई है, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। आयु। हाँ माँ। जरा जाओ नीचे से सामान लेके आ जाओ बेटा। हाँ मम्मा आई। अरे तो नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर ले, मैं जा रही हूँ। हाँ थोड़ी देर में आती हूँ। मॉम भी मुझसे बात नहीं कर रही है, क्या हुआ है? हंस क्यों रही है? अरे मेरी दोस्त है ना, उसने एक बहुत फनी जोक भेजा, इसलिए हंस रही थी। दोस्त? कौन सी दोस्त? अरे अपनी स्कूल वाली नंदनी। नंदनी वो चुड़ैल? इसको चुड़ैल मत बोलो, मेरी काफी अच्छी दोस्त है। इस लॉकडाउन में हम लोग काफी क्लोज आ गए। अरे उसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने कम आते थे, मैं उससे मदद मांगती थी, कभी हेल्प करती ही नहीं थी। तूने कम मेहनत की, इसलिए तेरे को कम मार्क्स आए, ना कि उसने तेरी हेल्प नहीं की। ओ वैसे आज मैं ना उसी के घर में एक बर्थडे पार्टी के लिए जा रही हूँ। हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं ना, हम लोग दोनों एक दूसरे को हर चीज बताते हैं। ठीक है जाओ मजे कर। आयु तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है अच्छे से, और नए नए दोस्त बना रही है। क्या हुआ, मेरी गुड़िया यहाँ अकेले क्यों बैठी है? सॉरी मम्मा, जब आपने उस दिन मुझे मना किया था टीवी देखने से, मैं आपकी बात ना सुनकर मैंने अपना फ़ोन लिया और टीवी ऑपरेट किया। आई एम रियली सॉरी मम्मा। उदास नहीं बोलते बेटा, तुम्हें रियलाइज हुआ ना ये काफ़ी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप और आई दोनों मुझसे दूर जाने लगे, कोई मुझसे बराबर बात नहीं करता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। आयु ने तो दूसरे दोस्त भी बना लिए, वो तो मेरे साथ बोर होती थी, मेरे साथ खेलती ही नहीं थी, और आप भी मुझसे कुछ बात नहीं करते थे, आप मुझे कुछ काम भी नहीं देते थे। ये सब टीवी की वजह से हुआ, अगर मैं टीवी नहीं देखती और आपके साथ बात करती तो आप भी मेरे साथ अच्छे से बात करते और आयु भी मेरे साथ खेलती। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ ये काफ़ी है। मुझे पता है मेरे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं, तुम्हें समझ आ गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन तुमने फ़ोन से टीवी को ऑपरेट किया, मुझे पता था, लेकिन मैंने नहीं डांटा, क्योंकि डांटने से किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने और आयु ने मिलकर प्लान बनाया तुम्हें सबक सिखाने का, और तुम्हें समझ आया। बेटा दुनिया में फैमिली से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी मम्मा, अब मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगी।